नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के चलते आमजन का दिल्ली जाना मुश्किल भरा सफर हो गया है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 8 शाहजहांपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के रोकने से शेखावाटी और राजस्थान के किसान पिछले 15 दिनों से पड़ाव डाले हुए हैं। किसानों ने राजमार्ग पर टेंट लगाकर पड़ाव डाल दिया, जिससे जयपुर दिल्ली का आवागमन बंद हो गया। राजस्थान से दिल्ली जाने के लिए कई किलोमीटर विभिन्न कच्चे पक्के मार्गों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे दिल्ली का सफर 3 से 4 किलोमीटर अधिक हो गया। वहीं किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। आंदोलन के समर्थन में विभिन्न क्षेत्रों से किसान और समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर किसान जमे हुए हैं। किसानों की संख्या बढ़ने से टेंट का दायरा भी 5 किलोमीटर से अधिक लंबा हो गया। किसानों के भोजन के लिए प्रत्येक 100 मीटर पर लंगर की व्यवस्था है। किसानों के लिए चिकित्सा की पूरी सुविधा है। कई स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगे हुए हैं। सोमवार को किसानों की सभा को विभिन्न प्रांतों के किसान नेताओं ने संबोधित किया और कृषि बिल वापस नहीं लेने तक आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया। सभा को किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम, स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव सहित कई किसान नेताओं ने संबोधित किया और कहा, किसान आंदोलन को मांगे नहीं मानने पर पूरे देश में फैलाया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर 11 किसानों का क्रमिक अनशन सोमवार को भी जारी रहा। अखिल भारतीय किसान सभा सीकर के केशाराम धायल के अनुसार, मंगलवार को सरकार से वार्ता में समझौता नहीं होने पर संयुक्त मोर्चा आंदोलन के आगे की रणनीति तय करेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी दिल्ली जयपुर मार्ग पर पड़ाव डाले हुए हैं। भारत देश का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व किसान आंदोलन जो पिछले 1 महीने से ज़्यादा दिल्ली के चौतरफा मोर्चा लगाए हुए हैं और ये शाहजहांपुर बॉर्डर जहाँ से हम बोल रहे हैं, इसको भी 16 दिन हो गया। लगातार संख्या बढ़ रही है। पूरे देश के किसानों का, व्यापारी और तमाम मजदूरों का और उपभोक्ताओं का खिलाफ जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास करने का काम किया है और चौथा बिजली संशोधन विधेयक 2020 संसद में प्रस्तावित है, जो काले कानूनों की इंतहा है। इस देश में मोदी सरकार केवल अडानी और अंबानी की यार है, देश की गद्दार है। निश्चित रूप से इसका किसानों से पाड़ा पहली बार लिया है। मोदी सरकार और आरएसएस और गोदी मीडिया ने इस किसान आंदोलन को बदनाम करने में कमी नहीं छोड़ी। खालिस्तानी है, आतंकवादी है, नक्सली है, पाकिस्तान और चीन समर्थक है, तरह तरह से बदनाम करने की, इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश की है। लेकिन सब साजिशें भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार और आरएसएस की तमाम फैल हुई है। निश्चित रूप से आज भी 16वें दिन भी हमारी सभा करते हुए हमने आगाह किया है कि 500 से ज़्यादा किसान और खेत मजदूर संगठनों का जो मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा है, वो जो भी आह्वान करेगा, अभी 29 तारीख कल वार्ता के लिए सरकार ने भेजा था, उसका उत्तर भेजा है कि कल 11 बजे ये जो 4 प्रस्ताव हैं इन पे काले कानून वापस हो, बिजली कानून वापस हो, MSP की खरीद की गारंटी हो, इन प्रस्तावों को लेकर के कल बात अगर सफल नहीं होती है तो 30 तारीख को सिंधु बॉर्डर जो सबसे पहले लगा था वहाँ से किसानों के ट्रैक्टरों का जत्था टिगरी जाएगा, टिगरी से शाहजहांपुर आएगा और शाहजहांपुर के बाद गाजीपुर जाएगा। इस तरह से दिल्ली के चौतरफा लगे हुए 6 मोर्चों पे जाएगा। अगर देश की या प्रदेश की कोई भी सरकार उनको रोकेगी तो वहीं पड़ाव डालेंगे, जिस तरह से बाकी 6 पड़ाव डाले हुए हैं। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम किसानों और नौजवानों को कि वो इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व देश के किसान आंदोलन का हिस्सा हों, गांव-गांव में तैयारी करें। एक एक गांव जो हर तरह से खाने की, पीने की, ओढ़ने की जो सहायता कर रहे हैं उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बाकी जो गाँव में बचे हुए लोग, किसान और नौजवान हैं, उनसे निवेदन है कि इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आंदोलन में शरीक होकर इसको जीत की ओर ले जाने का काम करें। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से जिस तरह से
भारत के लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके सत्ता हासिल करने का काम किया है। जिस तरह से कभी कहा काला धन आएगा, हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, खेती किसानी में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से समाज के एक एक वर्ग को, चाहे विद्यार्थियों की शिक्षा को बेचने का काम किया, चाहे नौजवान के रोजगार को बंद करने के लिए सारे के सारे निजी हाथों में आप देखेंगे बैंक, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, रेल, तमाम को प्राइवेट करके बेरोजगारों की लंबी लाइन लगा करके बेरोजगारी के बारे में बात करना ही मुनासिब नहीं समझते। उसी प्रकार से अब खेती पे जो, क्योंकि अंबानी और अडानी हमारे देश में दो अमीर है, अडानी को इससे पहले कोई नहीं जानता था, जब से नरेंद्र मोदी गुजरात से चल करके आया, अपनी अंगुली पकड़ करके अडानी को राष्ट्रीय स्तर पे लाया और भारत को लूटने के लिए, भारत की खनिज संपदा को लूटने के लिए अडानी के पक्ष में कानून बनाने का काम किया। अब उनकी गिर्द दृष्टि है खेती पे, किसानी पे, इसलिए ये 3 काले कानून बना करके जिस तरह से किसान को मार करके खेती पे कब्जा करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। चाहे सिंधु बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर है, चाहे सांझापुर बॉर्डर है, तमाम जगह किसान डेरा डाल करके बैठे हैं। यहाँ सांझापुर बॉर्डर में भी 16-17 दिन से, जब से खट्टर की सरकार ने रोका है, यहीं पे पड़ाव डाल करके किसान बैठे हैं। आए दिन संख्या बढ़ती जा रही है, किसानों का जोश बढ़ता जा रहा है और ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार को निश्चित तौर पर हारना पड़ेगा और भारत देश का किसान जीतेगा, 3 काले कानून वापस होंगे। तीसरी आजादी की लड़ाई है, हम हिंदुस्तान को पछा रहे हैं और ये दिल्ली में बैठा गद्दार इस भारत को बेचने का काम कर रहा है। मेरे आज किसान के बेटों का खून रोड के ऊपर गिन रहा है और ये बिरयानी पाकिस्तान की खा रहा है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लाना था देश में रहने के लिए। अगर कोई भी विदेशी एजेंसी इस बात की जांच करा लो, अगर ये प्रधानमंत्री का पूरा सिस्टम पाकिस्तान और चाइना से की मित्रता है और अपने देश के लोगों से दुश्मनाई है, हमारे को बर्बाद करने के लिए आया था ये। ना ये कोई पार्टी है, ना कोई लीडर है, ये ग्लोबल डीलर है और बीजेपी एक नेशनल कंपनी थी, इसने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, किसानों के साथ धोखा हुआ, इससे बड़ा धोखा ये एक दुनिया का सबसे अनोखा आंदोलन है और ये देश बांटने वाला आदमी है। इन्हें कच्चे से पैंट पहनने के लिए 90 साल लगे थे जनसंघ को। आज ये लड़ाई जनसंघियों के और सिंहों के बीच में है। भारत में पैदा होने वाला जो कमा के खाने वाला आदमी है वो आदमी सिंह है और जो दिल्ली में बैठे सिंघी फिरंगियों को भी रात को बजाया था और सिंघियों को भी रात को बजाएंगे। इस बात को ध्यान रखे सरकार। इस सरकार ने जितना हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, जो 70 साल में मेरे गरीब ने एक एक पैसे का टैक्स दे के हिंदुस्तान के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बनाए थे, इसने एक झटके में जो बेचने का काम किया है। इसी तरह हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसको मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और उसका सपोर्टर जो दुष्यंत चौटाला है, वो हिंदुस्तान में किसान का अगर कोई सबसे बड़ा गद्दार है तो दुष्यंत चौटाला है। और आज से 400 साल की कहावत सिद्ध कर दी कि अच्छों के बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश, धरना कुछ के पहला धोया और उग्र सैन, धरना कुछ के पहला धोया और देवीलाल के दुष्यंत, ऐसे नलायक और जलील आदमी को हरियाणा की सर जमीन पर ये किसान पैर नहीं रखने देंगे। इस बात का ध्यान, किसान एकता, देश को धर्म और जाति में बांटने का प्रयास किया। हरियाणा में देखते हैं जाट और नॉन जाट के बीच इतनी गहरी खाई मैंने की, ये इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। एक तमाम आपने शिक्षा में हमला बोला नहीं बोले, स्वास्थ्य में हमला बोला नहीं बोले, रोजगार पे हमला बोला नहीं, उसके बाद से उसके साथ भी हमारे हरियाणा के किसानों में राजस्थान महाराष्ट्र पूरे देश को इन्होंने एक कर दिया। सबकी इच्छा है कि आंदोलन जीता जाना चाहिए। ये आंदोलन हर उस आदमी का है जो अन्न खाता है, चाहे किसान है, मजदूर है, महिलाएं है, सबका ये